लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। ओवर ब्रिज पर लगे 11 गमलों को बीती रात्रि किन्हीं लोगों ने तोड़ा। जी हां, नगर आयुक्त विजय कुमार ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि साजिशन ऐसा किया गया है। साथ ही में बोले कि गुडवर्क को नष्ट कर नगर निगम फेल करना है मंशा, और कहा कि दोषियों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही। फिरोजाबाद शहर के ओवरब्रिज के ऊपर नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण कराने के क्रम में गमलों में पौधा लगाकर कई गमले रखे गए थे। बीती रात किन्हीं अज्ञात लोगों ने उक्त गमलों में 11 गमलों को तोड़ दिया। इस विषय में नगर आयुक्त विजय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपने ग्रुप में उक्त जानकारी दी और साथ ही बताया कि कुछ लोगों ने निगम की सफलता से चिढ़कर जानबूझकर निगम को फेल करने के लिए हमारे अच्छे कार्य को नष्ट करना शुरू कर दिया है। बताया गया है कि उदाहरण, बीती रात्रि में ओवर ब्रिज पर रखे हुए हमारे 11 गमलों को तोड़ा गया। बताया कि घटना दिखाती है कि यह साजिशन है और एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और जिसमें 1-2 गमले तोड़े गए हैं, पर यह घटना बड़ी है। दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला तो नहीं है, लोगों की रुचि मान सकता है। कुछ लोगों की जो हमारे नगर आयुक्त महोदय शहर को साफ स्वच्छ बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं, और वहीं शहर के कुछ लोग अपनी रुचि मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। हमारे नगर आयुक्त महोदय की मेहनत की वजह से आज हमारा शहर जो कि 292 नंबर पर था, वो आज 52 नंबर पर आ गया। मैं तो यही कहूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे इतने अच्छे जो आयुक्त महोदय हैं, इनका सहयोग करें, साथ दें, जिससे कि हम लोग नंबर 1 पे आए। क्या नाम है आपका? गौरव अग्रवाल। गौरव जी, नगर निगम द्वारा फिरोजाबाद के ओवर ब्रिज पर गमले लगाए गए, गमले में पेड़ पौधे थे जिनमें फूल भी आ रहे थे, किसी अवांछित तत्व ने तोड़ दिए हैं, क्या कहना है इसका आपका? नहीं, इन तत्वों की जांच होनी चाहिए और जिसने भी किया है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नगर आयुक्त साहब को तुरंत करनी चाहिए। और ये जो है प्रकृति के खिलाफ, इतनी मुश्किल से तो हम प्रकृति को बचा पा रहे हैं। कितना पॉल्यूशन हो रहा है उस हाईवे पे, ओवर ब्रिज पर। उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए नगर निगम ने कार्यक्रम मनाया कि वहाँ गमले लगाए, और गमले लगा के उन पर कुछ पौधे आ रहे थे, उनमें फूल आ रहे थे, वो नया जीवन ले रहे थे। उस जीवन को ख़त्म कर दिया इन अवांछनीय तत्वों ने, तो इनके खिलाफ ठोस और दंडात्मक कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, जिससे इन लोगों को एक मिसाल मिले, लोगों को मालूम पड़े कि हम गलत कर रहे हैं।